दोस्तों नमस्कार। अन्ना ग्लो रसोई की रंगत में हम गुजराती ढोकला बना रहे हैं, पीले वाला। उसके लिए मैंने ढोकले के आटे को रात को 2 चम्मच दही और 1/2 ग्लास छाछ में भिगाया था और पूरी रात ये आटे को रहने दिया मैंने। उसमें फर्मेंटेशन आ गया, मैंने उसमें नमक और हल्दी डाला। अब उसमें इनो डालेंगे। दोस्तों हम अन्ना ग्लो रसोई की रंगत में गुजराती येलो ढोकला बना रहे हैं। उसके लिए मैंने ढोकले का तैयार आटे को दही और छाछ में भिगा के रात को रखा था। फर्मेंटेशन आ गया है। अब मैं उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करूंगी और ऑयल जब 9 सेका हो जाएगा, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, 9 सेका हो जाएगा, हम ये बैटर में थोड़ा इनो डालेंगे और उसके ऊपर तेल डालना है। तो मैंने इनो डाला, आप देख सकते हो इनो के ऊपर ही मैं ऑयल डाल दूंगी और फिर हिला लेंगे उसको, जिससे ये जो इनो है हमारा उसमें थोड़े बबल्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से ढोकले जो अपने हैं वो जाली वाले बनेंगे। दोस्तों इनो और तेल का मिश्रण को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब जब गुजराती ढोकले होते हैं तो उसमें ग्रीन चिली थोड़ी काट के डालते, उसका टेस्ट अच्छा आता है। और अब एक थाली में तेल लगा के ग्रीस करेंगे। तो मैंने कुकर में पानी और जाली वाला स्टैंड, अगर आपके पास जाली वाला स्टैंड नहीं है तो आपके पास जो भी चीज़ ऐसी है कि जिससे थाली थोड़ी ऊपर रहे, जिससे पानी अंदर ना गिरे कुकर का। अब मैंने एक थाली में ग्रीस किया है ऑयल से और अब मैं ये बैटर उसमें डालूंगी। दोस्तों मेरे पास ढोकले का बर्तन है लेकिन मैं कुकर में ही बनाती हूँ, तो मैंने ये कुकर में लगभग 1 इंच जितना पानी डाला है और मेरे पास एसी वाली घोड़ी है। आप देख सकते हो ये स्टैंड है, वो स्टैंड को मैं अंदर कुकर में रख दूंगी और उसके ऊपर हमारी थाली रहेगी। कुकर गर्म हो गया है, मैंने थाली में जो ग्रीस की थी उसमें बैटर ढोकले का डाला है, उसके ऊपर मैंने धनिया पत्ती डाली है। आप देख सकते हो धनिया पत्ती का टेस्ट ढोकले जो गुजराती स्टाइल के ढोकले हैं उसमें बहुत आता है। मैं उसमें जो मैंने कद्दूकस करके थोड़ा लहसुन रखा है वो डाल रही हूँ। आप देख सकते हो ये लहसुन तुरंत ही थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं। देखो मैंने डाला, आप देख सकते हो वो लहसुन का टेस्ट अच्छा आता है। अब उसमें रेड मिर्ची पाउडर ऐसे छिड़केंगे, छोटा छोटा, देखो। और ये अपनी थाली तैयार है कुकर में जाने के लिए, मैंने कुकर में रख दी। दोस्तों मैंने कुकर में थाली रख दी है। अब कुकर को बंद करके बिना सीटी का 5 मिनट तक हम मीडियम आंच पे स्टीम निकलने देंगे। दोस्तों आप देख सकते हो कुकर में से स्टीम निकल रही है, लेकिन ऐसी स्टीम हम 2-3 मिनट तक निकलने देंगे, फिर गैस बंद करके तुरंत नहीं खोलना है तो बढ़िया ढोकला तैयार हो जाएगा। उसको 2 मिनट ऐसे ही स्टीम निकलने देना है। आप आवाज़ भी सुन पा रहे हो, इतनी स्टीम निकल रही है। और फिर गैस बंद करके 2-5 मिनट और ठंडा होने देंगे, बाद में हम उसका पीसेस करेंगे। दोस्तों स्टीम अच्छी निकल रही थी, मैंने गैस बंद कर दिया है। अब 2 मिनट के बाद हम ढोकले को बाहर निकालेंगे। दोस्तों अन्ना ग्लो रसोई की रंगत में हमने आज गुजराती येलो ढोकले बनाए। आप देख सकते हो ये ढोकले, इसमें जाली भी देख सकते हो, बहुत सॉफ्ट हुए हैं ये ढोकले। उसको फिर से तेल और राई और तिल सेसमे डाल के बघार भी सकते हो, या कच्चे तेल के साथ में तेल में मिर्ची और नमक डाल के भी खा सकते हो। तो आपके ढोकले तैयार है, आ जाइए, चलो खाते हैं गर्मा गर्म, बहुत अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट। धन्यवाद। दोस्तों हमारे ढोकले तैयार हो गए।
दोस्तों एक डिश ढोकला मैंने निकाल लिया, अब दूसरी डिश ऐसे ही तैयार कर रही हूँ। पहले ये थाली जो है खाली, उसमें बैटर डालूंगी, फिर थोड़ा लहसुन, फिर थोड़ा धनिया पत्ती और मिर्ची छिड़क के फिर से उसको कुकर में स्टीम करने रख देंगे। तो दोस्तों अन्ना ग्लो रसोई की रंगत में हम आज गुजराती स्टाइल के येलो ढोकले बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने रात को बैटर को, ढोकले के आटे को दही और छाछ में ऐसा भिगाया था। उसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। और उसमें हमको धनिया पत्ती चाहिए, 4-5 कली लहसुन पीस के ऐसा रखना है। तो हर एक थाली में हम ये जो थाली हमने अभी कुकर में रखी है उसमें सीटी नहीं लगाई है, जब वो बाहर स्टीम अच्छी तरह से निकलेगी तो हमारा ढोकला तैयार हो गया होगा। हम गैस को तब बंद करेंगे और जब 5-1 मिनट के बाद खोल के ढोकले की थाली निकाल लेंगे और फिर दूसरी बार वही थाली भरेंगे। उसमें फिर से धनिया पत्ती, लहसुन और लाल मिर्ची छिड़क के ऐसे ही हम फिर से उसको स्टीम करेंगे। तो आपको जितना घर में मेंबर हो उसकी तरफ से आप इतना ही भिगाना आटा। मैंने 250 ग्राम आटा लिया था, आप 500 ग्राम लेंगे तो आपका 3-4 लोग खा पाएंगे। और यही ढोकले जब बन जाए उसको काट के आप फिर से 3 टेबलस्पून ऑयल में तिल और राई लेके बघार भी सकते हो, लेकिन हम तो ग्राउंडनट सिंग तेल के साथ में ऊपर मिर्ची कच्ची वाली ऐसी लाल मिर्ची पाउडर और नमक डाल के हम उसमें डुबो के खाते हैं। तो जिसकी जैसी पसंद, बघार के भी खा सकते हो और कच्चे तेल में लाल मिर्ची पाउडर और नमक डाल के भी खा सकते हो, चॉइस इज योर्स। सो गुजराती ढोकले मैंने इतनी इजी वे में सिखा दिया है दोस्तों, आप बनाओ, परिवार वाले को पिरसो, थाली में आते ही वो बोलेंगे वाह क्या ढोकले। धन्यवाद, थैंक यू। अन्ना ग्लो रसोई की रंगत को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, आपका प्यार मुझे हरदम चाहिए। अन्ना ग्लो रसोई की रंगत से अनिला शाह आपको सैल्यूट करती है, आपका साथ सहकार के लिए आपका आभार मानती है। दोस्तों हमारे ढोकले तैयार हो गए।